फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हम घर में हमारी चीज़ें बच जाती हैं उनसे हम जो है प्लांटर स्टैंड किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी। हैंगिंग प्लांटर स्टैंड है या वैसे नीचे स्टैंड टाइप जो है स्टेयर वाले स्टैंड हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर पर ये आता है मेरा। देखिए ये मैंने एक दीवार पर स्टैंड बनाया है। देखिए ये मेरे पास एक टाइल है, बड़े साइज़ की टाइल बची हुई थी, काफ़ी सारी टाइल हैं। इनको मैंने ड्रिल मशीन की सहायता से यहाँ पर छेद करके इसमें चारों साइड, और ये एक रस्सी बांध दी है इसमें कॉटन की। देखिए इस तरीके से इस पे हम जो है छोटे प्लांटर्स अपने रख सकते हैं। 4 से 5 इंच के प्लांटर आप आसानी से रख सकते हैं। देखिए ये उनका वज़न आसानी से सह सकती है। और ये देखिए, ये भी मेरा ऐसे ही टाइल से बना हुआ स्टैंड है। ये देखिए, ये एक टोपियारी है, इसकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। देखिए इस तरीके से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि हम जो टाइल्स बची हुई हैं या और भी चीज़ें आपके पास होती हैं उनसे आप स्टैंड बना सकते हैं। देखिए दूसरे नंबर पे ये है, ये एक छोटे साइज़ की टाइल है, बहुत ही सिर्फ 4 इंच चौड़ी पट्टी है। इसमें इसको मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। इसमें भी इसमें मैंने छेद नहीं किया है, इसको दोनों साइड से ऐसे इस तरीके से बांध के लटका दिया। इस पे छोटे साइज़ के प्लांटर आप जो वेस्ट मटेरियल के होते हैं आप उनको आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंड है हमारा ये। देखिए ये कोई भी आपके पास लकड़ी का फट्टा हो तो आप उससे भी स्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो डोरी है ये मैंने छेद नहीं किया, इसमें इसके चारों साइड इस तरीके से अटैच करके और एक ऊपर ये देखिए कील पर टांग दिया है दोनों साइड से। इस पर आप अपने जो है छोटे प्लांटर्स रख सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप भी ये आइडिया ले सकते हैं। इसी तरीके से ये ऊपर मैंने एक जो लंबा फट्टा है उसका भी इसी तरीके से यूज़ किया है। इसमें मैंने होल किए हुए हैं, ड्रिल मशीन से होल किए। ये 2 साल से ये जो है फट्टा इस तरीके से ही है, तो बारिश के कारण जो है इसमें ये सीलन आ चुकी है और इसका झुकाव बीच में हो गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने अपने जो DIYs हैं ये इस पर रखे हुए हैं। ये कुछ मेरे ये प्लांट सूख गए हैं, इनमें दूसरे प्लांट लगाने हैं मुझे। और ये देखिए, ये रियो का प्लांट है, आप छोटे से छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं। और ये कॉलियस, और ये है मैक्सिकन बिटोनिया। ये देखिए, देखिए नेक्स्ट प्लांटर स्टैंड है हमारा ये। ये भी मेरा टाइल से ही बना हुआ है। इसके नीचे मैंने एक एक ईंटें ही रखी हैं, ज़्यादा नहीं रखी हैं, और उसके ऊपर मैंने ये सारे प्लांटर्स रखे हैं। थोड़ा कल बारिश हुई थी तो बारिश के कारण जो है मेरे प्लांटर्स काफ़ी गंदे हो गए हैं और फूल भी डल हो चुके हैं पानी की वजह से। तो ये देखिए, इस पर मेरे कम से कम 2 टाइल पर, बड़े साइज़ की टाइल हैं, 2 टाइल पर कम से कम 15 गमले आए हुए हैं। ये 6 इंच के हैं, पीछे ये 8-8 इंच के 2 पॉट हैं। ये देखिए, बनाने के लिए तो मैं इसको एक स्टेयर टाइप से, मतलब 2 स्टेयर में भी बना सकती हूँ। उसको थोड़ा ऊंचाई पे, एक एक टाइल ऊंचाई पे रखकर और एक उसके नीचे, उससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। लेकिन जो है मेरे पास यहाँ पे जो है ये छत पर जो है ज़्यादा वेट हो जाएगा, इसी वजह से मैंने एक ही जगह ज़्यादा प्लांटर्स नहीं रखे हैं। जब हमारी गार्डनिंग टेरेस पर होती है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वेट का भी, इस वजह से हमें उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। ये जो है, मैं नाम भूल गई इसका, हाँ, कैलेंडुला प्लांट है ये। ये देखिए इस टाइम पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। गुलदाउदी के फूल जो है खिलकर थोड़े स्पेंट हो चुके हैं, न्यू फूल हैं जो उनका कलर आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल हैं। और जो कटिंग्स बाद में लगाई थी उन सब में फ्लावरिंग जारी है।
इस साइड पर भी ये मैंने जो है टाइल से ही स्टैंड बनाया हुआ है। थोड़ा अभी आपको गंदा लग रहा होगा, सॉइल वगैरह आप जानते ही हैं कि भाई प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी तो होती है, तो इस वजह से अभी थोड़ा डल सा है, मुझे सफाई करनी है यहाँ पर। इसी तरीके से आप भी स्टैंड बना सकते हैं, कोई भी आपके पास चीज़ें बची हुई हैं आप उसका यूज़ करके प्लांटर स्टैंड एज ए यूज़ कर सकते हैं। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी एक प्लांटर स्टैंड शेयर करने वाली हूँ, और वो मेरा अभी तैयार नहीं हुआ है, जैसे ही तैयार होगा मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।